नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास इकोटेक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी इंडिया बेस्ड कंपनी है और ये पॉलीमर या और केमिकल के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी खासी जानी मानी कंपनी है। कंपनी का स्टॉक के बारे में बात करेंगे। बहुत दिनों से इस कंपनी के बारे में लोगों ने लिखा कि भाई विकास इकोटेक के स्टॉक के बारे में एनालिसिस करके बताइए, तो हम स्टार्ट करेंगे। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें, करीब 250 करोड़ प्लस का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू स्टॉक की इसकी 1 रुपीज है, डेट भी है कंपनी पर। हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो 52 वीक्स का लो से स्टार्ट करते हैं, 2 रुपीज 55 पैसे लो रहा है और हाई की बात करेंगे 6 रुपीज 10 पैसे। अब देखें तो लोगों ने इस स्टॉक में, बहुत लोगों ने, आप लोग इन्वेस्ट करते हैं ऐसे स्टॉक्स में जिसमें प्रॉफिट, ऐसा नहीं है कि सभी लोग लॉस में होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा प्रॉफिट भी बना के जाते हैं। अगर 2020 की बात करूँ, 2020 में अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो जरूर आपको कम से कम भी 250% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ होगा। तो इसमें आप देखेंगे करीब 2020 में ये 69-65 पैसे में हुआ करता था, एक पैनी स्टॉक था, और आज ये 2 रुपीज 70 पैसे में ट्रेड कर रहा है। अभी तक का भी अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो 60 पैसे का लिया हुआ स्टॉक अगर 2 रुपीज 70 पैसे होता है तो कम से कम भी 200-250% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट आप लोगों को मिल रहा होता है। लेकिन ये सभी के साथ नहीं होता है, किसने कब इन्वेस्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब अगर लगातार देखेंगे, पिछले साल से इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी का शेयर एकदम से डाउन जा रहा है, प्रॉफिट बनते हुए लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में लोग थोड़ा बहुत इसमें कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म का अगर प्लानिंग है तो इसका जो एनालिसिस हमने किया है वो क्या कहता है, इसकी फोरकास्ट मैंने तैयार की है। आप इतना के साथ वीडियो को सुनेंगे तो आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी किधर ये स्टॉक जाने वाला है, यानी कि साल भर यानी 2023 के अंदर ये स्टॉक किधर जाने की क्षमता रखता है, प्रॉफिट देने वाला है या बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है या एकदम से मल्टी बैगर रिटर्न साबित हो सकता है। ऐसा आपको हमारी प्राइस की प्रेडिक्शन से, फोरकास्ट से पता चल जाएगा। विकास इकोटेक लिमिटेड का जो स्टॉक है, वन लाइन में अगर मैं बताऊंगा तो मेरे हिसाब से तो ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। और इस स्टॉक में मुझे जो समझ में आता है, हमने जितनी भी स्टडी की है उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क का एक स्टॉक बनता है। इसके अंदर आपका जो पैसा है वो डीवैल्यूड भी हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। 1 ईयर की बात कर रहा हूँ यानी 2023 में। अभी ये 2 रुपीज 70 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और अब इसका आगे फ्यूचर कैसा रहने वाला है उसकी हम बात करेंगे। 14 डेज का मैंने इसका प्रडिक्शन तैयार किया है, वो जब आप सुनेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कब आपको बाइंग एवरेज या स्टॉप लॉस करना है वो चीज़ भी आपको समझ में आएगी। विकास इकोटेक 27 मार्च 2023 को भी ये 2 रुपीज 75 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। बात करेंगे 28 मार्च की तो 28 मार्च को भी 2 रुपीज 70 पैसे के आसपास ही ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 29 मार्च की बात करेंगे तो 2 रुपीज 75 पैसे 80 पैसे तक भी जा सकता है, ऐसा इसका प्रेडिक्शन बनता है। 30 मार्च को आप देखेंगे कि तो इसमें 2 रुपीज 80 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ही ट्रेड करने वाला है और फर्स्ट अप्रैल तो मार्केट क्लोज रहेगा, सीधा जो है 3 अप्रैल को मार्केट खुलेगा तो उसमें आप देखेंगे तो 2 रुपीज 75 पैसे के आसपास ही मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। उसके बाद 4 अप्रैल को आप नोट करेंगे तो 2 रुपीज 60 पैसे और 5 अप्रैल को 2 रुपीज 70 पैसे, 6 अप्रैल को 2 रुपीज 70 पैसे 75 पैसे के आसपास ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। ये तो रहा आपका 14 डेज का इसका प्राइस का प्रेडिक्शन, और अब मैं आपको बताता हूं कि 2 वीक्स यानी 14 डेज के अंदर इसका अपसाइड और डाउनसाइड क्या रहने वाला है। अपसाइड की बात करेंगे तो अपसाइड में आप देखेंगे कि 2 रुपीज 85 पैसे के आसपास ये अपसाइड आपको कमिंग 2 वीक्स के अंदर दिखाई देगा, और डाउनसाइड की बात करेंगे तो डाउनसाइड में 2 रुपीज 35 पैसे के आसपास आपको डाउनसाइड दिख जाएगा। तो ये इसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल प्रेडिक्शन है प्राइस का जो आपको कमिंग 2 वीक्स के अंदर दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते, तो आगे मैं आपको बताता हूँ मंथ वाइज हमने क्या तैयार किया है, किस तरह की फोरकास्ट रहने वाली है, तो उसमें भी आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी अप्रैल तो हो गया तो अप्रैल से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो अप्रैल में आप देखेंगे, अप्रैल में इसका जो मैक्सिमम प्राइस जाने वाला है 3 रुपीज 55 पैसे रहेगा। अप्रैल में ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा 3 रुपीज 55 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करने वाला स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है। मई की बात करेंगे तो मई में भी आपको 3 रुपीज 50 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। उसके बाद आएगा जून, तो जून में 2 रुपीज 75 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर रहने वाला है। जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई 2023 में 2 रुपीज 35 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। अगस्त की बात करते हैं तो 2 रुपये 50 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये स्टॉक रहने वाला है। सितंबर की बात करेंगे तो सितंबर 2023 में 2 रुपीज 35 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। अक्टूबर में 1 रुपीज 90 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला स्टॉक है। नवंबर में 2 रुपीज 20 पैसे रहेगा और दिसंबर में फिर से ये 3 रुपीज़ और 10 पैसे के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो ये तो रहा पूरे साल का
विकास इकोटेक लिमिटेड स्टॉक का प्राइस फोरकास्ट 2023 यानी 2023 का जो हम करंट प्रेजेंट ईयर के लिए। अब अगली बात मैं बताता हूँ कि अगर सपोज अभी 2.70 रुपीज पर यह स्टॉक आपको दिख रहा है और आप कोई नया इन्वेस्टमेंट इसमें प्लान कर लेते हैं करंट प्राइस पर, तो वन ईयर के अंदर ये आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट तो नहीं देगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये एक हाई रिस्क वाला स्टॉक है और चल गया तो बहुत अच्छा भी जा सकता है, बट जो प्राइस की प्रिडिक्शन है वो डाटाज और ग्राफ्स के ऊपर होती है, जो ग्राफ होता है तो उस पर तैयार की जाती है। अब बात है कि लेकिन मैं फिर भी नहीं कहूँगा कि आप कोई नया इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करें तो अच्छा रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। जितना हो सके आपको समझ में आ रहा हो तो आप उसके हिसाब से अपना लॉस को कवर कर लें, प्राइस को एवरेज कर लें, साथ के साथ बाय से जो भी ऑप्शन आप लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी पे होता है, आपको शेयर करना है, बाय करना है या कुछ भी करना है। कुछ भी करने से पहले इन्वेस्टमेंट का तो सीधा सा है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें, उसके बाद ही आप अपना एक्शन लें। तो ये तो रहा विकास इकोटेक लिमिटेड का पूरा 2023 का मैंने डिटेलिंग आपको दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इस तरह के किसी भी स्टॉक पर, क्रिप्टो करेंसी के स्टॉक पर या फिर US के स्टॉक पर भी आपको फोरकास्ट प्रिडिक्शन वाली वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप लिख सकते हैं रिलेटेड टू द स्टॉक। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है। सभी की जो भी आप लिखते हैं उसकी वीडियो पर काम चल रहा है, एक एक करके सभी की दो दो करके वीडियो आ रही है। कुछ कंपनीज के डाटा ना मिलने के कारण भी डिले हो जाता है, तो ऐसा भी है, बहुत सारे ग्राफ है उनकी जो पैटर्न्स वाले डाटा नहीं मिल पाते हैं तो उसकी वजह से वो चीज़ में डिले होता रहता है। बट नो डाउट सभी के जो भी कंपनियां बताते हैं उस पर काम चलता रहता है और एक एक दो दो वीडियो करके वो सब पूरी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगी और पसंद भी आएगी। इसी के साथ नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।